A very warm hello to all the learners of Mathematic Maths Adda. This is Vinay Pandey here again. Mathematical statistics ki baat kare hain. Mathematical statistics mein, probability mein. Kaafi topics hum kar chuke hain. Conditional probability humne kiya tha. Uske numericals bhi kiye the. Baaki iske alawa bhi kaafi topics hum probability pe based kar chuke hain. Aaj ka probability ka jo topic hai, wo based hai independent events pe. Bahut important topic hai. क्लास ट्वेल्थ के लिए भी और हायर एजुकेशन बीएससी और एमएससी में भी ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है. तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में डिटेल में हम समझते हैं कि इंडिपेंडेंट इवेंट होता क्या है. आइए स्टार्ट करते हैं. डेफिनेशन पे बाद में मैं जाता हूँ, उसके बाद पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ. अगर कार्ड्स की बात करें, टोटल कार्ड्स कितने होते हैं हमारे पास, 52. अगर ये 52 कार्ड्स में से एक कार्ड निकाला जाता है और उस एक कार्ड की किंग होने की प्रोबेबिलिटी की बात करें, तो किंग होने की प्रोबेबिलिटी अगर हम ए मान लें, पी ए, तो कितना हो जाएगा, 4/52. और इस एक कार्ड को निकालने के बाद हमने किंग की प्रोबेबिलिटी निकाली और उस कार्ड को दोबारा से 52 कार्ड्स के ग्रुप में फिर से डाल दिया. तो दोबारा से बात करें तो टोटल अभी भी 52 कार्ड्स हैं और ये 52 कार्ड्स में से फिर से दोबारा एक कार्ड निकाला जाता है और उसके बाद हम बात करें बी, फिर से किंग होने की प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालें तो वो फिर से कितनी होगी, 4/52. तो दोनों केसेस में आप देखो, पहले केस में हमने किंग की प्रोबेबिलिटी निकाली तो 4/52 ही आ रही है और सेकंड केस में प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है, 4/52 ही आ रही है. तो इसमें हो क्या रहा है, अगर एक इवेंट होने के बाद हम दूसरा इवेंट अगर निकाल रहे हैं, जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में भी हमने देखे थे, दो इवेंट्स देखे थे वहाँ पे, तो जिसने भी वो वीडियोस अगर मिस कर दिए तो वो प्रीवियस वीडियोस देख सकता है डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक से. इन दोनों इवेंट्स में देखिए आप, जो बी इवेंट, जो बाद में इवेंट हमने देखा, वो इवेंट पहले इवेंट पर डिपेंड नहीं कर रहा है. या हम सीधा सीधा ये कहें कि ये दोनों इवेंट्स ए और बी एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं. तो ये एक ए और दूसरा बी, ये दोनों इवेंट्स कैसे इवेंट्स हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट्स. तो आइए डेफिनेशन देखते हैं. टू इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इफ द अकरेंस और नॉन अकरेंस, अकरेंस या नॉन अकरेंस ऑफ ईदर डज नॉट अफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ द अदर. सीधा सीधा कहने का मतलब यह है कि अगर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी को अफेक्ट नहीं करती है, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालती है, तो उस केस में ये दोनों इवेंट्स कैसे हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट, यानी कि ये दोनों इवेंट एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं. अब अगर हम बात करें, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमने पढ़ी थी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमने देखा था पी बी अपॉन ए. पी बी अपॉन ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, पी बी अपॉन ए था ए कोई इवेंट हो गया था और उस ए इवेंट होने के बाद बी होने की प्रोबेबिलिटी. तो ये पी बी अपॉन ए और पी बी, इसको ध्यान से समझिए आप. पी बी अपॉन ए का मतलब है ए के होने के बाद बी के होने की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ए और बी क्या है, इंडिपेंडेंट है. तो ए इवेंट होने के बाद अगर बी इवेंट हो रहा है तो उसके बाद भी बी में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने जा रहा है, क्योंकि ए और बी क्या है, दोनों इंडिपेंडेंट है. और इंडिपेंडेंट अगर है तो पी बी अपॉन ए हम निकालें, पी बी अपॉन ए, दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, पी बी अपॉन ए क्या था, ए के होने के बाद बी के होने की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ए बी पे कोई भी इफेक्ट नहीं डाल रहा है. तो इस केस में पी बी अपॉन ए हम निकालें या पी बी निकालें, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे. बस इस कंसेप्ट को ध्यान से समझना है आपको. तो पी बी अपॉन ए किसके इक्वल हो जाएगा, पी बी के, क्योंकि ए बी पे कोई भी इफेक्ट नहीं डाल रहा है. तो पी बी नॉर्मली पी बी अपॉन ए के इक्वल होगा. और इससे पहले लेक्चर में हमने देखा था पी बी अपॉन ए के किसके इक्वल था, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए. ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है. तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या आ गया, पी ए इंटू पी बी. और यही बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए. तो हम कह सकते हैं कि टू इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट कब होंगे, इंडिपेंडेंट इफ पी ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आ रहा है, पी ए इंटू पी बी. तो ये कंप्लीट डेरिवेशन भी आपको मैंने बता दिया फॉर्मूले से.
तो अगर आपको कोई भी दो इवेंट्स दिए जाएं ए और बी, और उन ए और बी को इंडिपेंडेंट प्रूफ करना है, तो आपको ये कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है कि पी ए इंटरसेक्शन बी आपको निकालना है, पी ए निकालना है, पी बी निकालना है। अगर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इस प्रोबेबिलिटी के इक्वल आ जाए तो दोनों इवेंट्स ए और बी क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको आगे आपको यूज़ भी करना है। तो आइए स्टूडेंट्स, कुछ थ्योरम्स मैंने लिखे हुए हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स पे बेस्ड। जो पहली थ्योरम है वो डायरेक्टली आप इंडिपेंडेंट इवेंट्स पे बेस्ड थ्योरम इसको नहीं बोल सकते, डायरेक्टली भी सॉल्व हो जाएगी। बाकी ये दो थ्योरम्स जो आप देख रहे हैं ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स पे बेस्ड है। इन थ्योरम्स को बाद में देखते हैं, सबसे पहले इस थ्योरम पे आते हैं। क्या दिया हुआ है, फॉर एनी टू इवेंट्स ए एंड बी सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, जीरो से बड़ी यानी कि जीरो नहीं है, तो आपको ये कंडीशन प्रूफ करनी है। अगर हम बात करें पी बी अपॉन ए, अगर पी बी अपॉन ए कहें या पी वी हैव अगर हम पी ए अपॉन बी निकालें, तो पी ए अपॉन बी क्या था, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है जो फॉर्मूला बता चुका हूं मैं आपको। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आ जाएगा, पी बी इंटू पी ए अपॉन बी, इक्वेशन वन। सिमिलरली अगर हम बात करें पी ए इंटरसेक्शन बी बार, तो ये क्या बनेगा, पी बी बार इंटू पी ए अपॉन बी बार, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर टू। अब अगर हम बात करें, मैं सैम्पल स्पेस बना रहा हूँ, इस सैम्पल स्पेस को देखिए आप, ये ए इवेंट है और ये इवेंट है बी, ये पहले भी हम कर चुके थे। अगर हम इन दोनों प्रोबेबिलिटी का यूनियन निकालें, ध्यान से देखिएगा आप इसको, पी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन पी ए इंटरसेक्शन बी बार, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये प्रोबेबिलिटी हो गई, ए इंटरसेक्शन बी बार ए ये हो गया, इसका बी बार, बी बार क्या होगा, बी के बाहर का, उसका ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो यही आएगा। तो ये बन क्या रहा है, ये पूरा ए वाला पोर्शन आ जा रहा है, यानी कि ये अगर इसका यूनियन हम ले रहे हैं तो ये किसकी प्रोबेबिलिटी आ गई, ए की। आप देखिए एक प्रोबेबिलिटी ये थी और एक प्रोबेबिलिटी ये थी, और स्टार्टिंग में जब मैंने आपको प्रोबेबिलिटी के अलग अलग अप्रोचेज बताई थी, उसमें एक्जोमेटिक एक्जोमेटिक अप्रोचेज में हमने क्या पढ़ा था कि एक्जोमेटिक अप्रोच में थर्ड अप्रोच जो थी उसकी, कि अगर दोनों इवेंट क्या हैं, डिसजॉइंट हैं, ये इवेंट ये है और ये इवेंट ये है, तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का यूनियन किसके इक्वल था, इन दोनों की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के, यानी कि ये हो जाएगा, ये कंडीशन मैं आपको पहले के वीडियोस में बता चुका हूँ, पी ए इंटरसेक्शन बी बार, इसकी वैल्यू हमने यहाँ निकाली हुई है, पी बी इंटू पी ए अपॉन बी प्लस इसकी वैल्यू क्या है सेकंड इक्वेशन में, पी बी बार इंटू पी ए अपॉन बी बार, ये किसके इक्वल आ गया, पी ए के। और आप देखिए आपको रिजल्ट भी यही प्रूफ करना है यहाँ पे। तो ये फर्स्ट थ्योरम का प्रूफ हो गया, आइए सेकंड थ्योरम देखते हैं। देखिए सेकंड थ्योरम में क्या दिया हुआ है, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं, ये दिया हुआ है आपको। इसका मतलब अभी मैंने आपको प्रूफ बताया था, इंडिपेंडेंट इवेंट्स में कंडीशन क्या थी, ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल था, पी ए इंटू पी बी, इक्वेशन वन। तो आपको क्या प्रूफ करना है कि ए और बी बार ये दोनों भी क्या होंगे, इंडिपेंडेंट। देखिए ध्यान से समझिए आप इसको, ए और बी इंडिपेंडेंट कब है, जब ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल आ जाए। अगर पी ए इंटरसेक्शन बी बार इक्वल आ जाए पी ए इंटू पी बी बार के, तो इसमें ए और बी बार क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, और यही आपको यहाँ पे प्रूफ भी करना है। तो इस रिजल्ट को जो हमको प्रूफ करना है उस पर फोकस करते हैं, इस कंडीशन को हमको प्रूफ करना है। अब आप इसको ध्यान से देखिए किस तरीके से मैं इसका प्रूफ कर रहा हूँ। सिंस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, और सैम्पल स्पेस अगर हम बताएं बनाएं फिर से, ये आपका ए हो गया, ये हो गया बी। अगर हम बात करें लेफ्ट हैंड साइड की, नाउ
ए इंटरसेक्शन बी बार। ए तो ये हो गया पूरा, ये पूरा ए हो गया, और इसका बी बार क्या होगा? बी बार का मतलब बी के बाहर का पोर्शन, इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो यही आएगा। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये वाले पोर्शन से अगर आप ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी माइनस करोगे तो वही रीजन आएगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये लिखा जा सकता है। पी ए इंटरसेक्शन बी बार पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है, पी ए इंटू पी बी। इसमें दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, पी ए कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा, वन माइनस पी बी। और किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को वन से माइनस करते हैं तो उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी आ जाती है, तो यानी कि यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये पी बी बार। तो पी ए इंटरसेक्शन बी बार किसके इक्वल आ गया, पी ए इंटू पी बी बार। इसका मतलब ए एंड बी बार ये दोनों पे क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट। जो रिजल्ट प्रूफ करना था वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी था, तो ये बड़ा इसका इजी प्रूफ है, आप समझ सकते हैं इसको। सेकंड थ्योरम का प्रूफ हो गया है, आइए थर्ड थ्योरम स्टार्ट करते हैं। थर्ड थ्योरम में देखिए, ए और बी यहाँ पे भी आपको इंडिपेंडेंट दिए हैं तो फर्स्ट इक्वेशन तो यही रहेगी। अब आपको क्या प्रूफ करना है, ए बार एंड बी बार ये दोनों भी इंडिपेंडेंट होंगे। ए बार और बी बार कब इंडिपेंडेंट होंगे, जब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। अब इसको ध्यान से देखिए, अब जो लेफ्ट हैंड साइड हमको प्रूफ करनी है उसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ ना। पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार, डी मॉर्गन प्रॉपर्टी लगाएंगे तो इसको हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी होल बार लिख सकते हैं। और किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो वन से माइनस करके उसके होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लें हम। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है पहले के वीडियोस में भी बताया था, क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार, वन माइनस पी ए माइनस पी बी, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और पी ए इंटरसेक्शन बी ये किसके इक्वल है, इक्वेशन वन से यहाँ वैल्यू रख लेते हैं, पी ए इंटू पी बी। बस अब ध्यान से समझिए इसको, अब वन माइनस पी ए, इसको एक ब्रैकेट में लिख लिया पहले के दो टर्म्स, और इसमें से दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, माइनस पी बी कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, वन माइनस पी ए। तो वन माइनस पी ए दोनों में कॉमन आ रहा है, वन माइनस पी ए, और यहाँ क्या बचेगा, वन माइनस पी बी। वन माइनस पी ए का मतलब क्या हो गया, पी ए बार, और वन माइनस पी बी का मतलब क्या हो गया, पी बी बार। तो पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार किसके इक्वल आ गया, इन दोनों के इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के मल्टीप्लिकेशन के। तो इसका मतलब कौन कौन इंडिपेंडेंट हो जाएंगे यहाँ पे, देयरफॉर ए बार एंड बी बार आर इंडिपेंडेंट। तो ये थर्ड थ्योरम का प्रूफ हो गया, इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में हमने पढ़ा, उस पर बेस्ड मैंने कुछ थ्योरम्स आपको भी करवाई। आगे के जो वीडियोस हम लेकर के आएंगे उस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंडिपेंडेंट इवेंट्स में ही आगे म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और जैसे ही वो टॉपिक इंडिपेंडेंट इवेंट्स का ख़त्म होता है तो हम उसके बाद बेस थ्योरम स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम मानी जाती है। तो आज के वीडियो में इतना ही।